सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आपको गुलाब से संबंधित कुछ टिप देने जा रहा हूँ। और ये टिप है गुलाब और गुलाब की देखभाल की। ज़्यादातर समय में गुलाब सर्दियों का फसल है और सर्दियों का फूल है, तो अभी जैसे गर्मी का टाइम है और हॉट समर डेज़ में भी गुलाब आप किस तरह का लगाएं, क्या चयन करें, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी कभी आपको समर सीज़न के लिए गुलाब लगाना हो तो लाइट कलर का गुलाब का चयन करें। और ये लाइट कलर का, यदि आप बिल्कुल वाइट कलर का गुलाब लेते हैं और इस गुलाब को अपने छत पे लगाते हैं तो ये बहुत ही शानदार चलेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि गर्मी के समय में लोग डार्क कलर का गुलाब छत पे लगाते हैं, और डार्क कलर क्योंकि सूर्य की रोशनी में ज़्यादा अवशोषित हो जाती है तो उसके सारे चीज़ें रंग रूप सारी बिगड़ जाती है। तो मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा कि आप जब भी गुलाब का चयन करें तो ये छोटा सा गुलाब है। दूसरा, आप एक और चीज़ ध्यान रखें कि जैसे अभी समर का टाइम है तो आप गुलाब जिस तरह से मुंह आ रही है, जैसे गुलाब की फ्रंट साइड है, तो आप गुलाब को धूप की रोशनी के विपरीत दिशा में रख दें। ये आप उल्टा कर दें, जिधर से गुलाब का मुँह है उसके बैक साइड को कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा। और देखिए, इसमें हमारे गुलाब में छोटी छोटी कलियाँ भी आ रही है और साथ में ये कुछ खिला हुआ भी गुलाब है। धूप ज़्यादा नहीं चाहिए और इसके लिए एक मैनेजमेंट है। हमने इसको दीवार के साथ रखा है और ये दीवार के साथ रखने का ये है कि अभी जैसे 12-1 बजे के बाद यहाँ पर छाव हो जाती है, तो इस छाँव में बहुत समय तक गुलाब चलेगी और इसका मॉइस्चर मेंटेन करें। पर गुलाब को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का समय है तो थोड़ा पानी तो इनको चाहिए होगा, तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। जैसे जैसे और भी नॉलेज बढ़ेगा तो मैं आपको इसके बारे में साझा करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमें संपर्क भी कर सकते हैं और ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए। मैं प्रवीण मिश्रा, टेरेस फार्मिंग के लिए, नई दिल्ली से।